एक बार किसी ने प्रश्न पूछा मुझसे कि बेडरूम में मंदिर बना सकते हैं कि नहीं, भगवान रख सकते हैं, हम वहां सबसे ज्यादा जरूरी है। एक मंदिर बना दिया घर में, इसका मतलब भगवान को अलग कर दिया आपने। ये आपका सीढ़ी के नीचे जगह है, ज्यादा बड़बड़ मत कीजिएगा, किचन में हमारा चलेगा, बेडरूम में हमारा चलेगा, वॉशरूम में हमारा चलेगा, ड्राइंग रूम में हमारा चलेगा, डाइनिंग रूम में हमारा चलेगा, अब आपका बोला सीढ़ी के नीचे चुपचाप रहिए, मंदिर बना दिया। उनका एक्सेस तो एवरीवेयर होना चाहिए, जिंदगी के क्षण क्षण में होना चाहिए, प्रतिपल होना चाहिए। 16 संस्कार सनातन संस्कृति के हैं, गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक। गर्भ धारण करने का संस्कार सनातन धर्म में है। पंसवन सीमंतो नयन, जानते ही नहीं, एक ही मंत्र जानते हैं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, 2000 वाला नोट रुपया, एक ही मंत्र जानते हैं। और बाकी सब मत, नहीं गुरुजी ऐसा मत बोलिए, मैं गायत्री मंत्र जानता हूं। किस लिए जानते हो? किसी ने कहा होगा कि जपोगे तो माल आ जाएगा, इसलिए जपते भी होगे। हम ओम नमः शिवाय जानते हैं, किस लिए जपते हो? किसी ने कहा होगा सुंदर पति मिल जाएगा, सोमवार को पूजा कर लेना, दूध चढ़ा देना शिव जी पर, खोपड़ी पे डाल देना गंगा जल, उन्हीं की खोपड़ी से निकली है उन्हीं की खोपड़ी पे डाल देना, फिर से उन्हीं के जटा से निकला उन्हीं पे डाल दो। शिव का मंत्र भी पढ़ते होगे तो डिमांड क्या होगा, कृष्ण का मंत्र भी पढ़ते हो तो डिमांड क्या है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई वच्चाई नमः ये भी पढ़ते हो तो डिमांड क्या है। तुम्हारे भगवान से तुम्हारा कहीं प्रेम नहीं है। गोस्वामी कहते हैं प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तुम भगवान से भगवान के लिए प्रेम करते हो या भगवान से किसी और चीज के लिए प्रेम करते हो, कभी सोचा है? दुर्योधन ने कृष्ण से विजय के लिए प्रेम किया, सेना के लिए प्रेम किया, और अर्जुन ने कृष्ण को कृष्ण के लिए प्रेम किया। एक तरफ 40 लाख से ऊपर की सेना थी, वो भी नारायण की सेना, भगवान की सेना, और एक तरफ अकेला कृष्ण मुस्कुराता हुआ बैठा हुआ था। उन 100 में से एक नहीं बचा और इन 5 में से एक का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि ये कृष्ण से कृष्ण को मांगने गए थे। ये कृष्ण से मांगने नहीं गए थे, कृष्ण को मांगने गए थे। तुम्हारी बिल्डिंग ढह जाएगी धार्मिकता की, ज्यादा देर मुझे बिठाओगे तो मैं जल्दी आधे घंटे में उठने वाला हूं, उठ जाओ नहीं तुम्हारी बिल्डिंग ने कहीं ढह जाए। अब तक जो धर्म कर्म बना के बैठे हुए, हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े हमारी चाची बड़ी भक्तिन है, भक्तिन नहीं है मक्तिन है, मांगने वाली है। पोस्टमार्टम करो उनका, पूछो कि क्यों इतना प्रेम करती हो, क्या भगवान के पास जाती हो, क्या डिमांड होता है, क्या चाहती हो। कभी किसी ने कह दिया वहां डोरा बांध दो, किसी ने कह दिया वहां जाके लाल चीज छीट दो, किसी ने कह दिया वहां जाके काला दे दो, किसी ने वो कह दिया, किस लिए? कृष्ण मिलने के लिए, कृष्ण मिलन लालसा लौल्यता कृष्णमती भाविता। तो क्या भगवान को यह समझ में नहीं आता होगा कि ये मेरे पास मेरे लिए नहीं आया? तुम्हारा कोई रिश्तेदार रोज तुम्हारे पास तुमसे कुछ मांगने आए, कभी पैसे, कभी जमीन, कभी कपड़े, कभी तुम्हारा फ्रिज, कभी गाड़ी, महीने दो महीने के बाद अपने बच्चों को कहते वो आएगा ना, वहां वो बहुत बड़ा मांगता है, बोल देना पापा घर पे नहीं है, दिन रात ये दे दो ये दे दो, पिक मंगा कहीं का। तुम क्या करते हो मंदिर जाके, गुरु के पास जाके तुम क्या करते हो, हवन करते हो तो क्या चाहते हो, कभी सोचा? क्यों नहीं एक बार कृष्ण को मांगते हो, क्यों नहीं एक बार राम को मांगते हो कि तुम मेरे हो जाओ। तुलसीदास अंतिम तक रोते थे, लोगों ने पूछा क्यों रोते हो, अरे बोला मैं तो कह रहा हूं राम जी मेरे हैं, बोला फिर, बोला किसी दिन राम जी कह दें कि तुलसी मेरा है तब बात बनेगा, अभी तक राम जी ने नहीं कहा है कि तुलसी मेरा है। किसी दिन ठाकुर कह दें कि इस भीड़ में बैठे हुए श्याम लाल मेरे हैं, मोहन लाल मेरे हैं, अनिल मेरे हैं, कविता मेरी है, बबीता मेरी है, ठकुरानी कह दें, राधा रानी किसी दिन कह दें, वो मेरी बेटी बैठी है, वो मेरी सखी बैठी है, वो देख रहे हो वो मेरी सखी है,
वो कह दे, तुम कहो तो बहुत बात नहीं बनती, मेरे तो गिरधर गोपाल ये तो सारी दुनिया कह रही है, पर दूसरा लाइन कहने में थरथरा जाते हैं भीतर से, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा लाइन है दूसरों न कोई, वहां सब फेल। ऐसे कैसे कह दे, पप्पू मेरा बेटा है, कछकू मेरा छोटा बेटा है, टपरू मेरा तीसरा बेटा है, टपरी मेरी बेटी है, और हमारे बहनोई के सास के चाचा के नाना के काका के फूफा के दादा के ददिया सास के ननद के बेटे को जरा आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आएंगे, बड़ा नजदीकी रिश्ता लेके आए हो भाई, इतना नजदीकी आदमी, ददिया के चचिया के ककिया के ममिया के, ये कौन सा रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है ये? तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे आत्मा का परमात्मा के साथ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी मम अवांश जीव लोके जीव भूत सनातना। तुम तो उस रिश्ते को नहीं मानते, ठाकुर छाती पीट पीट के कह रहा है, मम अवांश जीव लोके जीव भूत सनातना। ये सब जो बैठे हैं ना, हाँ बोला मेरे हैं, ठाकुर कहते हैं मेरे अंश हैं, तुम तो नहीं मानते, ठाकुर तो कह रहे तुम मेरे हो, तुम कहां मानते। तो भगवान से प्रेम कर रहे हो या किसी वस्तु के लिए भगवान को प्रेम कर रहे हो, यहीं पे मामला बनना है और यहीं पे बिगड़ना है। ध्यान दो, सैकड़ों स्थान बनाने वाले लोगों, ध्यान दो इस बात पर, भगवान से प्रेम करते हो, पूजा करते हो, चाहत कुछ और है या वही चाहत है तुम्हारी? हम सन में को चुरा लू, ये गाओ ना, ए ठाकुर तुमसे तुम्ही को चुरा लू, तुमसे तुम्हारा माल चुरा लू। ठाकुर बोले अच्छा हमारा माल चुरा लोगे, हम बड़े बड़े गदाधारी हनुमान रखे हुए, मार के कमर तोड़ देंगे तुम्हारी, तुम चुरा लोगे हमारा सामान। पर ठाकुर को चुराया जा सकता है, उनका नाम ही है चित्त चोर, वो तुम्ही को चुरा लेंगे। ठाकुर तुमको चुराने में पड़ा है, तुम ठाकुर को चुराने में पड़ जाओ। उनका एक नाम है मन मोहन, वैसे नाम मोहन ही है, मोहन मन को मोहने वाले, मन मोहन। तो मन दोगे तब तो मोहेंगे, मन तो पता नहीं कहां का है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहां गिरा कुछ वहां गिरा, मन है कहां? ये तो गोपियों ने उद्धव को कहा, रे उद्धव मन ना भय दस बीस, एक हूं तो गयो श्याम संग, अब को अवराधे सिरे।